हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर एक नई फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पाथ पर अपने इस प्रोग्राम को सेव करूं, नाम दे रहा हूं फाइल एग्जांपल 3.java, क्योंकि मेरा थर्ड प्रोग्राम है, क्लास फॉर्म कर रहे हैं फाइल एग्जाम्पल 3। और इससे पहले हम यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं java.io.file, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और मैं इसी पाथ पर क्योंकि एक फाइल क्रिएट करूंगा तो मैं डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख रहा हूं, इसको लिख दे रहा हूं मैं लर्न वाई वॉच lbw.txt और क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन की मदद से उसको क्रिएट करूं। क्रिएट हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर क्रिएट नहीं हो पाएगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने इसे इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया जैसा कि पिछले एग्जांपल हमने किया था। मैंने आपको कहा था लगभग वही तरीका है जैसा डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह से फाइल भी क्रिएट करते हैं। तो यहां पर फाइल क्रिएटेड एल्स हम दे देंगे फाइल कांट बी क्रिएटेड, इसको सेव करते हैं पहले। और दोस्तों, इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है, क्या आपके सामने कोई नई बात आती है या नहीं। सेव कर देते हैं, यहां पर इफ और लगा देते हैं, इफ स्टेटमेंट रहेगी, सेव करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमारे सामने होता है। देखिए दोस्तों, एक नई बात आपके सामने नजर आई। इसने कहा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। इस लाइन का मतलब जरा समझा दूं मैं आपको। देखिए, जो क्रिएट न्यू फाइल फंक्शन है ये एक चेक एक्सेप्शन फायर करता है। एक्सेप्शन क्या होते हैं, चेक एक्सेप्शन क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सेप्शन के वीडियो में बता चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। यहां पर चूंकि चेक एक्सेप्शन फायर हो रहा है, आईओ एक्सेप्शन फायर हो रहा है, तो उसको या तो ट्राई कैच के ब्लॉक में हम लिखें, उसे हैंडल करें, थ्रोज कीवर्ड की मदद से उसे हम ओवरलुक करा सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अगर कोई एक्सेप्शन फायर होगा तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है, तो हम इसे ट्राई कैच के ब्लॉक में डाल रहे हैं। और यहां पर हम कैच लगा रहे हैं और कैच में आईओ एक्सेप्शन का नाम लिख रहे हैं और इसको ब्लैंक छोड़ते रहे क्योंकि हमें पता भी कोई एरर नहीं है। सेव कर दिया, फिर से कंपाइल करके देखते हैं अब कुछ होता है। दोस्तों, आपके सामने एक और नई एरर नजर आ रही है, आईओ एक्सेप्शन को ये नहीं जानता ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, चलिए उसको हम बता दें। देखिए, हमने आईओ पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, हमने आईओ पैकेज के अंदर की फाइल क्लास को इंपोर्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये क्लास भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हम दूसरी क्लास को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। और इससे बचने के लिए आप चाहें तो एस्ट्रिक कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के आधार पर मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूं कि नई फाइल कैसे क्रिएट होती है, उसमें चेक एक्सेप्शन फायर होता है और उस चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का मैं यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर जब मैं उसे कंपाइल करता हूं तो एक नई एरर आती है। इसका मतलब यह है कि मुझे उस क्लास को भी यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, दो क्लास को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने दो क्लास को इंपोर्ट करने की जगह एस्ट्रिक कीवर्ड को यूज किया है, इसका मतलब है आईओ पैकेज के अंदर की सारी क्लास ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या कोई एरर आती है। जी नहीं, अब कोई एरर नहीं आई। मेरे पास बहुत डिमांड आती है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं कुछ एरर क्रिएट करूं, उसमें डीबगिंग करूं, एरर के मायने बताऊं, कहां कहां क्या क्या एरर आ सकती है। तो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में कभी कभी कोडिंग के दौरान एरर्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूं और उन एरर्स को समझाने की कोशिश करता हूं। तो इससे स्टूडेंट्स को बहुत सारे फायदे इंटरव्यू के समय मिल जाते हैं। इसको रन करते हैं जावा फाइल एग्जाम्पल 3। मैं पहले आपको दिखा दूं कि क्या lbw.txt नाम की कोई फाइल क्रिएटेड है। दोस्तों, ये मेरा फोल्डर है जहां पर मैं अपने सारे प्रोग्राम्स फाइल हैंडलिंग के सेव कर रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टेम्प नाम का फोल्डर है और बाकी फाइल एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये कुछ फाइल्स इसमें है, लेकिन lbw.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। रन करके देखते हैं, फाइल क्रिएटेड आ रहा है। वापस जाकर देखते हैं कि क्या ऐसी कोई फाइल बनी। जी हाँ, lbw.txt नाम की फाइल आपके सामने बन गई है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर एक फाइल क्रिएट कर दी है। डिलीट करने के लिए मैं इसको डिलीट फंक्शन की मदद से रिमूव कर दूंगा। चलिए उस काम को भी कर लेते हैं। मैं इस कोड को यहां पर कमेंट बना रहा हूं। डिलीट करने के लिए हमें किसी
ट्राई कैच की जरूरत नहीं है, यहां पर हम देंगे इफ एप डॉट डिलीट और यहां पर लिख देंगे फाइल रिमूव्ड लिख देते हैं, एल्स और यहां लिख देते हैं फाइल नॉट रिमूव्ड, सेव करते हैं। आपके सामने lbw डॉट txt नाम की फाइल है, यहां पर फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, फाइल रिमूव्ड आ रहा है, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रिमूव हो चुकी है फाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको यह पता चल गया होगा कि हम किसी नई फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको क्रिएट करते वक्त कोई एक्सेप्शन फायर होता है नहीं होता है, वो कैसा एक्सेप्शन है, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। और हमें यहां पर यह भी पता चल गया कि अगर हम सिर्फ एक फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब दूसरी फाइल नहीं आएगी और इस तरह की एरर आपके सामने आ सकती है। इसके बाद हमने इस फाइल को रिमूव कर दिया। अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बताने जा रहा हूं कि हम dir कमांड को, जो डॉस के अंदर dir कमांड देते हैं, उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें मैं फोल्डर के अंदर के सारे फोल्डर्स और फाइल्स को प्रोग्रामिंग के द्वारा शो करने वाला हूं और जो डायरेक्टरी होगी उसके आगे डायरेक्टरी लिख के आएगा और जो फाइल है उसके आगे फाइल लिख के आएगा। तो देखना ना भूले मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।